Now write down the heading. Monohybrid cross. Monohybrid cross. ब्रैकेट में लिखो इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन. इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन. मोनोहाइब्रिड क्रॉस को हम बोलते हैं इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन. इसकी डेफिनेशन लिखो व्हेन वी परफॉर्म अ क्रॉस. When we perform a cross between two organisms or plants, when we perform a cross between two organism or plants on the basis of one character, on the basis of one character, then it is called monohybrid cross. Then it is called monohybrid cross. When we perform a cross between two organisms or plants on the basis of one character, then it is called monohybrid cross. Or करके दूसरी definition लिखो. study of inheritance of one gene. Study of inheritance of one gene controlling one character at one time is called monohybrid cross. देखो यहां पर हम दो प्लांट्स के बीच में क्रॉस करा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ वन कैरेक्टर. जैसे सपोज करो हमने कैरेक्टर लिया फ्लावर पोजीशन. फ्लावर पोजीशन में जो दो प्लांट्स होंगे ये एक कैरेक्टर हुआ. अब हम प्लांट ले रहे हैं ए, प्लांट बी, इन दोनों के बीच क्रॉस करा रहे हैं. ये जो हमने प्लांट लिए हैं ये हमारे फर्स्ट प्लांट हैं जिनमें हम क्रॉस करा रहे हैं. इस जनरेशन को हम नाम देते हैं पेरेंट जनरेशन. फ्लावर पोजीशन को लेकर हम दो डिफरेंट ट्रेट्स या दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स के प्लांट लेंगे. यहाँ पर प्लांट में फ्लावर की पोजीशन होगी एक्सियल, तो यहाँ पर क्या होगी टर्मिनल. क्लियर? ये एक्सियल फ्लावर, ये टर्मिनल फ्लावर. एक्सियल फ्लावर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए, कैपिटल ए. टर्मिनल को रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी हमारी क्या है पेरेंट जनरेशन. अब जब हमें इनके बीच में क्रॉस कराना है तो यहाँ पर हम बनाएंगे गैमीट्स, कैपिटल ए स्मॉल ए. दीज आर कॉल्ड व्हाट? क्लियर? अब इन दोनों का हमने क्रॉस कराया. यहाँ पर जो न्यू प्लांट्स हमें मिले वो मिलेंगे हमें, उस जनरेशन को हम बोलेंगे F1 जनरेशन. क्या बोलेंगे? इट इज कॉल्ड फर्स्ट फिलियल जनरेशन. और फिलियल वर्ड किसने दिया था हम भूल गए. फर्स्ट जनरेशन या फर्स्ट फिलियल जनरेशन. अब देखो इस F1 जनरेशन के जितने भी प्लांट्स होंगे
उनका जीनोटाइप क्या होगा? कैपिटल ए स्मॉल ए. जीनोटाइप मतलब जीन्स, यस और नो, एलील्स. तो एफ वन जनरेशन का जीनोटाइप क्या होगा? कैपिटल ए स्मॉल ए. कैपिटल ए जो एक्सियल था वो स्मॉल ए टर्मिनल के ऊपर डोमिनेंट है. तो यहाँ पर जितने भी प्लांट्स बनेंगे एफ वन जनरेशन के, वो सारे कैसे बनेंगे? एक्सियल. कैसे बनेंगे? क्लियर ये पॉइंट? तो यहाँ पर जो एफ वन जनरेशन का फीनोटाइप होगा, सारे के सारे प्लांट्स कैसे होंगे? जिनमें कौन सा फ्लावर होगा? और यहाँ पर एफ वन जनरेशन का जीनोटाइप क्या होगा? कैपिटल ए. क्लियर ये पॉइंट? देखो, जब भी हम किसी ट्रेट को लेकर चलते हैं, ठीक है, दैट ट्रेट या दैट कैरेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय पेयर ऑफ एलील्स. पेयर ऑफ एलील्स, यहां पर दो एलील हैं, हम इसको बोल सकते हैं पेयर ऑफ एलील्स, यस और नो? याद हो जब हमने बात की थी कि कोई ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड है तो उसमें एलील्स भी पेयर में होते हैं, यस और नो? जैसे इसकी बात करें हम, तो इसका एक क्रोमोसोम पर क्या है? कैपिटल ए. दूसरे क्रोमोसोम पर भी क्या है? ऐसे प्लांट जिनमें दोनों एलील सेम होते हैं, ऐसे प्लांट्स क्या कहलाते हैं? ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स. क्या कहलाते हैं? ऐसे एलील्स क्या कहलाते हैं? होमोजाइगस. क्लियर ये पॉइंट? यस और नो? ये दोनों एलील होमोजाइगस हैं, ये दोनों एलील होमोजाइगस हैं. और उस वो प्लांट्स जहां पर हम एलील्स होमोजाइगस लेते हैं, उन प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स या फिर प्योर लाइन प्लांट्स. क्लियर ये पॉइंट? अब हमने सुनना ध्यान से, यहां पर जो कैरेक्टर है दैट इज कंट्रोल्ड बाय पेयर ऑफ एलील्स. एलील्स को ही हम क्या बोलते हैं? जीन्स. और जीन्स को मेंडल ने क्या टर्म दिया था? फैक्टर. क्या बोला था? तो ईच कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय अ पेयर ऑफ फैक्टर्स. अ पेयर ऑफ, दैट वॉज द फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ मेंडल. ईच कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय अ पेयर ऑफ फैक्टर्स. क्लियर? सुनना, जब हम दो प्लांट्स के बीच में क्रॉस कराते हैं तो वो ट्रेट जो हमें एफ वन जनरेशन में अपीयर होता है, वो ट्रेट कौन सा ट्रेट होता है? डोमिनेंट. जो अपीयर नहीं होता वो क्या होता है? एंड इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ डोमिनेंस, द सेकेंड पोस्टुलेट ऑफ मेंडल. क्लियर ये पॉइंट? फर्स्ट पोस्टुलेट क्या था? ईच कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय अ पेयर ऑफ फैक्टर्स. फिर सेकेंड पोस्टुलेट या फर्स्ट लॉ क्या था? कि जब हम क्रॉस कराते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अ सिंगल कैरेक्टर, जो ट्रेट अपने आप को रिप्रेजेंट करता है दैट इज कॉल्ड डोमिनेंट ट्रेट, जो रिप्रेजेंट नहीं करता दैट इज कॉल्ड, एंड दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ. अब देखो, यहां पर हमें एफ वन जनरेशन मिली. अब हम एफ वन जनरेशन का कराएंगे सेल्फ क्रॉस. यहां पर हम लिख सकते हैं सेल्फ पॉलिनेशन. क्या लिख सकते हैं? अब ध्यान से देखना, यहां पर हमने प्लांट लिया कैपिटल ए स्मॉल ए, इसका क्रॉस इसी प्लांट से कैपिटल ए स्मॉल ए. ये कौन सी जनरेशन थी हमारी? यहां पर हम एफ वन जनरेशन का क्या करा रहे हैं? अब हम गैमीट्स बनाएंगे. यहां पर जो गैमीट बनेगा कैपिटल ए और कैपिटल ए और Small. अगर यहां लिखा होता एक्स और वाई तो हम एक क्रोमोसोम क्या लेते? X. एक में क्या जाता? y. सेम यहां पर होगा कैपिटल ए और दिस इज कॉल्ड चेकर बोर्ड पनेट स्क्वायर. दिस स्क्वायर वॉज डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट सी पनेट, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? पनेट स्क्वायर. ओके, ये कैपिटल ए कैपिटल ए, ये कैपिटल ए, यहां पर क्या होगा? हमेशा कैपिटल को पहले स्मॉल को बाद में.
स्मॉल ए, ये जो जनरेशन बनी हमारी दैट विल बी एफ टू जनरेशन, यस और नो? अब यहां पर कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल ए, स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल ए, इन चारों में से कैपिटल ए, कैपिटल ए कितने हैं? वन. हमें सिर्फ लेटर देखने हैं, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमें उससे मतलब नहीं है. मैंने क्या बोला, इन चारों में से कैपिटल ए, कैपिटल कितने हैं? कैपिटल ए, स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल ए, ये कैपिटल ए, कैपिटल ए, या फिर कैपिटल ए, स्मॉल ए, या स्मॉल ए, स्मॉल ए, ये क्या किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? जीन्स, यस और नो? तो ये जो रेशियो आया है, जो रेशियो जीन्स के बेस पर आता है, दैट इज कॉल्ड विच टाइप ऑफ रेशियो? क्लियर ये पॉइंट? जीनोटाइप रेशियो एफ वन एफ टू जनरेशन का क्या हो जाएगा? 1:2, 2:1. अब देखो, अब हम आते हैं फिनोटाइप पर. फिनोटाइप का मतलब जो हमें दिखाई दे रहा है. ये कैसे फ्लावर्स बनाएगा? ये भी कैसे बनाएगा? ये भी कैसे बनाएगा? और ये कैसे बनाएगा? तो एक्सियल फ्लावर कितने होंगे और टर्मिनल फ्लावर कितने होंगे? 3:1. दिस विल बी नोन एज फिनोटाइप रेशियो. सुनना, यहां पर जब हमने रिसेसिव ट्रेट लिया था तब तो वो रिप्रेजेंट नहीं हुआ था. यहां पर हमने रिसेसिव ट्रेट लिया नहीं, बट वो यहां पर रिप्रेजेंट हुआ. दैट मींस रिसेसिव ट्रेट प्रेजेंट था बट वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था. जैसे ही उसको अपना रिसेसिव पार्टनर मिला, उसने अपने आप को रिप्रेजेंट. दैट मींस अगर यहां पर रिसेसिव ट्रेट है जो डोमिनेंट के साथ है, तो उसने अपने ट्रेट को, यानी उसने अपने फीचर को यहां पर भी छोड़ा नहीं था. वो एक्सटिंक्ट नहीं हुआ था, बस वो अपने आप को क्या नहीं कर पा रहा था? एक्सप्रेस. समझ में आई मेरी बात? दैट मींस उस स्मॉल ए के अंदर उसका कैरेक्टर, उसका ट्रेट, उसका फीचर छुपा हुआ था जो अपने आप को रिप्रेजेंट. मेंडल ने क्या बोला कि जब हम एफ वन जनरेशन का सेल्फ क्रॉस कराते हैं और जब गैमीट सेपरेट होते हैं, यहां पर कैपिटल ए और स्मॉल ए क्या है जो आपस में क्या हो रहे हैं? जब गैमीट्स आपस में सेपरेट होते हैं तो वो गैमीट्स अपनी प्योरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं. वो गैमीट्स अपनी प्योरिटी को रिप्रेजेंट, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स, या दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. सेग्रीगेशन का मतलब होता है सेपरेट होना. क्या होना? तो यहां पर कौन सेपरेट हो रहा है? गैमीट्स, कैपिटल ए और. जब तक ये सेपरेट नहीं हुआ था तब तक ये अपने आप को रिप्रेजेंट. दैट मींस जैसे ही वो सेपरेट हुआ, उसने अपने कैरेक्टर को रिप्रेजेंट किया. दैट इज कॉल्ड सेकंड लॉ या थर्ड पोस्टुलेट ऑफ मेंडल, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. क्लियर? दैट मींस फर्स्ट पोस्टुलेट, सेकंड पोस्टुलेट एंड थर्ड पोस्टुलेट, या फिर फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ. फर्स्ट लॉ क्या था? लॉ ऑफ डोमिनेंस. सेकेंड लॉ क्या था? ये दोनों किस क्रॉस पर बेस्ड हैं? क्लियर ये पॉइंट? लॉ ऑफ डोमिनेंस के कई सारे एक्सेप्शंस होते हैं, बट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का अभी तक कोई एक्सेप्शन नहीं है. दैट्स वाई इट इज अ यूनिवर्सल लॉ. तो अगर पूछा जाता है विच इज कंसिडर्ड एज अ यूनिवर्सल लॉ ऑफ मेंडल, तो दैट विल बी ओनली एंड ओनली लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. क्लियर ये पॉइंट? अब देखो बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट चीज. फर्स्ट थिंग, हमें ये क्रॉस याद रखना है, और ये क्रॉस ऐसे याद रखना है कि इसकी इमेज हमेशा हमारे ब्रेन में रहे, ठीक है ना? बट जेनेटिक्स का कोई भी क्वेश्चन ब्रेन में सॉल्व नहीं करना है, कॉपी में सॉल्व करना है, तभी आंसर निकलेगा, नहीं तो जल्दबाजी में गलत करके आओगे. समझ में आ रही है मेरी बात? बस हमें ये चीज याद रखनी है
कि जब भी हम हाइब्रिड का क्रॉस करा रहे हैं तो रेशियो 3:1, 1:2, 2:1। देखो यहां पर जो फिनोटाइप रेशियो है वो कितना है 3:1। 3 मतलब आउट ऑफ 4 कितने परसेंट हो गया, ये कितने परसेंट हो गया, प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई यहां पर। अब एक चीज और सीखो, मेंडल ने जितने भी क्रॉस किए उनमें कभी भी एग्जैक्ट ये रेशियो नहीं आया। रेशियो आया 2.9:1, 3.12:1, बट हम अपने इजीनेस के लिए ये पढ़ते हैं कि रेशियो कितना है 3:1। जैसे सपोज करो आपके पास क्वेश्चन आया कि हम एक गार्डन को विजिट करने गए और वहां पर हमें 750 पर्पल कलर के प्लांट्स मिले और 240 वाइट कलर के प्लांट्स मिले। 750 पर्पल कलर, 240। अब हमें पता है पर्पल कलर और वाइट में से कौन सा डोमिनेंट होता है, पर्पल। ये लिखा हमने यहां पर्पल, ये कौन सा है वाइट। रेशियो कितना आना चाहिए, अगर देखो हम इससे इसको डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्स मोर देन 3 आएगा, यस और नो? 3.1 के आसपास आएगा। क्लियर ये पॉइंट? तो रेशियो कितना आ रहा है 3.1:1, मतलब ये रेशियो किस क्रॉस में आता था, मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस के सेकंड F2 जनरेशन का फिनोटाइप रेशियो ये था। तो फिर हम वहां पर कंक्लूजन लिखेंगे कि इट्स अ रिजल्ट ऑफ F2 जनरेशन विच इज ड्यू टू सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ F1 जनरेशन, या डायरेक्ट लिख सकते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस ऑफ मेंडल। क्लियर ये पॉइंट? तो आपके यहां क्वेश्चन ये नहीं आता परफॉर्म अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस ऑन द बेसिस ऑफ दिस फ्लावर दिस कैरेक्टर, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। समझ में आई मेरी बात? क्लियर ये पॉइंट? स्पेशली CBSE में नंबर देते हैं और क्वेश्चन पूछते हैं, वो इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे आपसे। समझ में आई मेरी बात? याद रखना है। अब जैसे फिनोटाइप रेशियो की प्रोबेबिलिटी हमें याद है, ऐसे ही हमें याद रखनी है किसकी प्रोबेबिलिटी कितना था। यहां पर था कैपिटल ए, यहां पर कैपिटल ए, यहां पर स्मॉल ए, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है इसकी। क्लियर ये पॉइंट? क्वेश्चन लिखो, व्हेन वी परफॉर्म अ क्रॉस बिटवीन प्योर टॉल प्लांट विद ड्वार्फ प्लांट देन फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ प्योर टॉल प्लांट इन देयर प्रोजेनी। जब भी हम क्वेश्चन में आपको अगर मेंशन नहीं कर रहे हैं कि F1 जनरेशन या F2 जनरेशन, हमें सिर्फ नेक्स्ट जनरेशन तक कैलकुलेट करना है, ठीक है। क्वेश्चन है व्हेन वी परफॉर्म अ क्रॉस बिटवीन प्योर टॉल प्लांट, तो प्योर टॉल प्लांट का मतलब क्या है। अब हमने लिखा उसका क्रॉस कराया हमने किस प्लांट से, अब जब हम ड्वार्फ बोल रहे हैं, रिसेसिव कैरेक्टर है, तो हम उसमें चाहे प्योर बोले चाहे ना बोले, ड्वार्फ तो तभी होगा जब दोनों कैसे होंगे। क्लियर ये पॉइंट? अब नेक्स्ट जो उनकी प्रोजेनी होगी, तो यहां कैपिटल टी आएगा, यहां प्लांट टॉल होगा, यस और नो? बट क्या ये प्योर टॉल है, ये हाइब्रिड टॉल है। प्योर लाइन क्या होता था, तो प्योर टॉल नहीं आएगा, तो प्योर टॉल कितने परसेंट होगा। समझ में आई मेरी बात? यहां क्वेश्चन होता, सुनो मेरी बात, यहां क्वेश्चन होता
व्हेन वी परफॉर्म अ क्रॉस बिटवीन प्योर टॉल प्लांट एंड ड्वार्फ प्लांट देन फाइंड आउट हाउ मैनी टॉल प्लांट्स विल बी इन देयर प्रोजेनी देन आंसर विल बी 100%. टॉल प्लांट पूछा है ना, 100%. वहां नहीं लिखा प्योर टॉल, तो प्योर का मतलब क्या है? होमोजाइगस. सिर्फ पूछा उसने क्या, तो टॉल है. समझ में आ रही है मेरी बात? लिख लो इसको. वहां पर प्योर वर्ड अपने आप में काफी है. और जब हमें 7 कैरेक्टर्स हमने लर्न किए हैं तो टॉल होता है कैपिटल टी, ना कि कैपिटल ए. क्यों? क्योंकि अभी सर ने थोड़ी देर पहले कैपिटल ए वाला क्रॉस किया था. लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. व्हेन वी परफॉर्म, सेकंड क्वेश्चन लिखो. व्हेन वी परफॉर्म अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस देन अप्रोक्सीमेटली अप टू विच जनरेशन प्लांट विल लूज इट्स हेट्रोजाइगोसिटी. पहले तुम क्वेश्चन ही समझ ले. प्लांट विल लूज इट्स हेट्रोजाइगोसिटी एंड इट विल बिकम नियर अबाउट कंप्लीट होमोजाइगस. अपन सॉल्व करते हैं. सुनो ध्यान से. F1 जनरेशन, ठीक है, हमने लिखा. F2 जनरेशन, मैथ आती है ना थोड़ी बहुत, मुझे नहीं आती एक्चुअली, तुम लोगों का आना जरूरी है. सुनो देखो, F1, F2, F3, F4, F5, F6, ठीक है. यहां हमने लिखा हेट्रोजाइगस, यहां हमने लिखा, मैंने क्वेश्चन क्या बोला, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराने पर ऐसी कौन सी जनरेशन होगी जहां पर हेट्रोजाइगस लगभग लगभग खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और होमोजाइगस लगभग लगभग कितना हो जाएगा. F1 जनरेशन में हेट्रोजाइगस का परसेंटेज कितना था और होमो का कितना था? 100 क्या था कि नहीं था? कैपिटल टी स्मॉल टी बना था. कैपिटल टी स्मॉल टी क्या था? हेट्रोजाइगस. कौन सी जनरेशन में? वहां क्या कोई होमोजाइगस बना था? क्या कुछ नहीं बना था. अब F2 पर आ जाओ. F2 में कितने हेट्रोजाइगस थे? 50% थे. कैपिटल ए स्मॉल ए दो थे. और अब अगर 50 हेट्रो थे तो कितने होमो हो गए? यहां कितना परसेंट डाउन हुआ, यहां कितना इंक्रीज हुआ? थर्ड जनरेशन पर आओ, इसका आधा हो जाएगा. यहां कितना हो जाएगा? इसका आधा हो जाएगा, इसका बढ़ जाएगा. यहां कितना हो जाएगा? यहां कितना हो जाएगा? ऐसे करते जाओ, आ जाएगा लगभग लगभग 100%. समझ में आ गई मेरी बात? तो कोई एक ऐसी जनरेशन आएगी जहां लगभग लगभग कितना हो जाएगा. अरे अगर ऑप्शन में है F2, F4, F6 और F9, तो आंसर हमारे सामने है क्या? दैट्स इट. अब हमने कभी F9 तक किए ही नहीं, तो हम या तो ये टिक करते हैं, चलो गलत होगा तो चलो ये टिक कर देते हैं. समझ में आ रही है मेरी बात? ऐसे करो, निकालो कौन सी जनरेशन तक आता है. बच्चों घर पे कर लेना. एक और क्वेश्चन लिखो, हो जाएगा. F8 या F9 जो भी आएगा आ जाएगा. लिखो. हाँ जाएगा, वो तो ऑब्वियस ही बात है जाएगा, बस हमें आना चाहिए क्वेश्चन कैसे आते हैं बस, ठीक है ना. लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. When we perform a cross between pure tall plant, इसका आंसर आना चाहिए हर बच्चे का, तब तो समझ में आ रहा है. ये सिंपल है. When we perform a cross between pure tall plant and dwarf plant, then find out the ratio of pure tall and dwarf plant, then find out the ratio of pure tall
एंड डॉफ प्लांट इन देयर एफ टू जनरेशन. हमने प्योर टॉल लिया, डॉफ लिया, यहां पर कैपिटल टी, यहां स्मॉल टी, दोनों का क्रॉस कराया. ठीक है, हम ये कुछ नहीं लिखते, ना पेरेंट जनरेशन ना गैमीट, क्योंकि हम होशियार हो गए हैं. बट लिखना चाहिए, नहीं तो मार्क्स आधे मिलेंगे. समझ में आ रही है मेरी बात? अब F1 जनरेशन का सेल्फ क्रॉस, कैपिटल टी स्मॉल टी, यहां गैमीट बना, कैपिटल टी स्मॉल टी, सेम. ये F2 जनरेशन, ठीक है. अब रेशियो पूछा है प्योर टॉल का और किसका, कितना आ जाएगा? बस हो गया, लिखो नेक्स्ट हेडिंग, लिखो कंक्लूजन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस. कंक्लूजन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस लिखो इसमें. ऑन द बेसिस ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस मेंडल प्रपोज्ड मेनली थ्री प्रिंसिपल, मेनली थ्री प्रिंसिपल. फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर्स, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर्स, इसी में लिखो. अकॉर्डिंग टू इट ईच कैरेक्टर, अकॉर्डिंग टू इट ईच कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय, अकॉर्डिंग टू इट ईच कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय अ पेयर ऑफ फैक्टर्स. और फैक्टर्स वर्ड मेंडल ने किसके लिए यूज किया था ये हमें पता है. ओके, सेकेंड लिखो प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस, प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस, इसमें लिखो. व्हेन व्हेन वी परफॉर्म, या व्हेन अ क्रॉस इज परफॉर्म्ड, ऐसे लिखो. व्हेन अ क्रॉस इज परफॉर्म्ड बिटवीन टू प्योर प्लांट्स, व्हेन अ क्रॉस इज परफॉर्म्ड बिटवीन टू प्योर प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ वन कैरेक्टर, ऑन द बेसिस ऑफ वन कैरेक्टर, देन द ट्रेट विच एक्सप्रेस इट्सेल्फ, देन द ट्रेट विच एक्सप्रेस इट्सेल्फ इज कॉल्ड, इज कॉल्ड डोमिनेंट ट्रेट, इज कॉल्ड डोमिनेंट ट्रेट, एंड एंड द ट्रेट विच डू नॉट एक्सप्रेस इट्सेल्फ, द ट्रेट विच डू नॉट एक्सप्रेस इट्सेल्फ इज कॉल्ड रिसेसिव ट्रेट, द ट्रेट विच डू नॉट एक्सप्रेस इट्सेल्फ इज कॉल्ड रिसेसिव ट्रेट, एंड इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ डोमिनेंस, इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ डोमिनेंस. नीचे एक छोटी सी हेडिंग लिखो, एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस, एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस. फर्स्ट राइट डाउन incomplete dominance, incomplete dominance, and second likho codominance, codominance.
नेक्स्ट हेडिंग लिखो प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन। ब्रैकेट में लिखो प्रिंसिपल ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। प्रिंसिपल ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। इसमें लिखो व्हेन गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड, व्हेन गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ सेल्फ क्रॉस ऑफ F1 जनरेशन, व्हेन गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ सेल्फ क्रॉस ऑफ F1 जनरेशन, देन दे रिप्रेजेंट देयर प्योरिटी, देन दे रिप्रेजेंट देयर प्योरिटी। लिखो नेक्स्ट पॉइंट, there is almost no exception of this law, that's why it is considered as a, that's why it is considered as a universal law of Mendel, that's why it is considered as a universal law of Mendel। बच्चों एक क्वेश्चन लिखो, इन मोनो हाइब्रिड क्रॉस, इन मोनो हाइब्रिड क्रॉस 3:1 रेशियो, इन मोनो हाइब्रिड क्रॉस 3:1 रेशियो इज ऑप्टेंड इन F2 जनरेशन, इज ऑप्टेंड इन F2 जनरेशन ड्यू टू। पहला ऑप्शन लिखो डोमिनेंस, सेकंड लिखो सेग्रीगेशन, थर्ड लिखो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड एंड फोर्थ लिखो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। एक और क्वेश्चन लिखो फिर इसका आंसर बताना। इन मोनो हाइब्रिड क्रॉस 3:1 रेशियो इज ऑप्टेंड इन F2 जनरेशन ड्यू टू। फर्स्ट लिखो डोमिनेंस, अरे लिखो तो डोमिनेंस, सेकंड लिखो सेग्रीगेशन, थर्ड लिखो प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, फोर्थ लिखो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट।